जय श्री राम भाई लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड भाई लोग, आज हैं हम लोग अपने टाउन ऑफ 15 के अकाउंट के ऊपर। एंड इसमें हमने पुशिंग भी स्टार्ट किया था, तो अभी तो इवेंट रूप ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साथ में भाई आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्मी में ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट करते हैं, कौन सा सीज मशीन चूज़ करते हैं अटैक के टाइम पे। एंड साथ में हम लोग एक CWL अटैक भी करके आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जितने बंदे चैनल पे न्यू है, चैनल को जाके आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में भाई वीडियो पे एक लाइक भी कर देना है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। सो गाइस, अटैक पे जाने से पहले हम लोग एक बार आर्मी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी में है जो है हम लोग यहाँ पर दो सुपर मिनियन के यूज़ कर रहे हैं, एक हेड हंटर भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग CC में जो है येटीज़ का यूज़ करेंगे, और कौन सा सीज मशीन यूज़ करना है वो तो हम लोग अटैक के टाइम पे बताएंगे। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर और एक चीज़ देखना है, वो है भाई हीरोज़ के साथ पेट कॉम्बिनेशन। तो हम लोग किंग के साथ फॉरेस्टी का, और क्वीन के साथ यूनिकॉर्न, वार्डन के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिनिक्स का, और रॉयल चैम्पियन के साथ हमारा डिग्गी। तो यही सब पेट कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग अच्छे से इसे कॉपी कर लेना, और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अब अटैक पे। तो करना। सो गाइस, हमें बेस तो मिल चुका है, एंड यहाँ पर बेस डिजाइन देख सकते हैं आप लोग। स्पेल टावर के पास यहाँ पर जो है हमने बस दो बलून्स का यूज़ करके यहाँ पर ये पॉइजन टावर को एक्टिवेट करवा दिया है। और ये जो बेस है भाई, टीजर बेस बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका टाउन हॉल जो है बाहर के साइड में, मतलब थोड़ा सा साइड में रहता है, बाहर के साइड में ही थोड़ा सा रहता है, तो इसीलिए हम लोग टीजर बेस बोलते हैं इसको। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन से कुछ इस तरह से आप लोग को स्पैम कर देना है। नीचे की साइड से आप लोग अटैक ले जा सकते हैं अटैक को, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को ईगल चाहिए, हमारा मेन टारगेट वही है भाई। ईगल आर्टरी पहले डाउन कर लो भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी में, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। कभी कभी ईगल इग्नोर में मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इग्नोर नहीं मारने का, आप लोग को ईगल निकालना ही है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम पर। और यहाँ पर हमने कर दिया है पॉइजन, तो जब आप लोग को मैं बताऊंगा कि ईगल अट्री कब इग्नोर मारना है, उस टाइप का बेस आता है तभी आप लोग को इग्नोर मारना पड़ता है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रेज स्पेल और फ्रीज स्पेल का आप लोग यूज़ देखिए। सो गाइस, इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी में मेन चीज़ वही है भाई, स्पेल की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे से आप लोग को करनी आनी चाहिए। स्पेल की प्लेसमेंट ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है समझना, बस बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर पहले तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने रॉयल जेमर को भी ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं DD का, स्टोन से जमाना में यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, अभी DD का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सीधा भाई टाउन हॉल के पास जाएगा, देखो आप लोग अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिग्गी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टनिंग कर रही है, तो पेट कॉम्बिनेशन भी आप लोग को मैंने जैसे ही बताया शुरुआत में ही। तो यहाँ पर अब हम लोग एक फ्रीज स्पेल का यूज़ कर देंगे, और देखिए भाई डिग्गी प्लस यहाँ पर ये दोनों भाई आराम से बहुत मस्त यहाँ पर फ्रीज कर रही, स्टनिंग कर रही है। और यहाँ पर जो है अभी भी हमारा सीज मशीन फुल हेल्थ में है, यहाँ पर RC की एबिलिटी टैप हो चुकी है, अभी भी एक फ्रीज स्पेल बचा हुआ है जो कि हम लोग कर सकते हैं स्वैग। सो गाइज, ये बेस तो हो चुका है बहुत ही इजी मेथड में 3 स्टार। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो हमने जो है यहाँ पर डार्ट ड्रिल का यूज़ किया सीज मशीन में, तो ऐसे हम लोगों ने इसे किया, मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन में आप लोग को यही करना रहता है ज़्यादातर टाइम पे। आप लोग को सीज मशीन या तो स्टोन जैमर या तो फ्लेम फिंगर या आप लोग को ये डार्ट ड्रिल, ये तीनों में से ही ज़्यादा यूज़ करो। और बैटल बीम का बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया करो, दिखाऊंगा मैं बैटल बीम वाला केस भी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बेस पे। ये आ चुका है हमारे सामने नेक्स्ट बेस, एंड यहाँ पर जो है भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ईगल एट्री साइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रो ड्रैगन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, और ये ईगल डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेजिस पर हमने डाल दिया, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चेन डैमेज मिल रहा है, और यहाँ पर टारगेट हो चुका है हमारा ओके, लेकिन चेन डैमेज के कारण यहाँ पर एक झटके में भाई एयर डिफेंस जो है डाउन हो चुका है। इधर वाला भी एयर डिफेंस निकल जाए तो अच्छा रहेगा। चलो ईगल बैटरी तो निकल चुका है, अब यहाँ पर देख सकते हैं डबल यहाँ पर इनवी टावर है, तो हम लोग पहले तो यहाँ पर एक जून, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं फ्लेम फिंगर का, ठीक है। तो फ्लेम फिंगर देखिए नीचे में हम लोगों ने ईगल डाउन कर दिया, तो अब आप लोग को जब ईगल इस तरह से आप लोग डाउन कर लेते हैं, तो आप लोग अटैक को उसके अपोजिट साइड से आप लोग को ले जाना है, ठीक है। अगर आप लोग TH निकाल लेते हो इस तरह से दो इलेक्ट्रो ड्रैगन का यूज़ करके, तो आप लोग नीचे के साइड से जाना, ठीक है। मान लो यही बेस था, और यहाँ पर हमने बस दो इलेक्ट्रो ड्रैगन से TH निकाल दिया,
तो आप लोग अटैक को ईगल के साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक साइड पे फ्लेम फिंगर डालना है और सेकंड साइड पे देखो हम लोग यहाँ पर हीरोज़ के यूज़ करेंगे, फनल क्रिएट करेंगे। ये देखिए ए डिफेंस निकल चुका है, हमने 2-3 यूज़ को ड्रॉप किया और ये मल्टी मोटार को जो है हम लोग टेक डाउन करेंगे। नहीं तो देख सकते हमारे फ्लेम फिंगर को काफ़ी जल्दी यहाँ पर डैमेज पहुँचा रहा है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचा दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग हीरोज़ का ड्रॉप कर देते हैं और अब जो है हम लोग यहाँ से अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं ये फ्लेम फिंगर और कुछ निकाल पाता है क्या। चलो अब यहाँ से हम लोग जून्स को पहले ड्रॉप कर दिए ताकि ब्लैक एयरमैन ना लग जाए। पीछे से आ चुका है हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन्स और ये हमारा बुढ़ाऊ, तो बुढ़ाऊ भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर चेन डैमेज मिला तो यहाँ पर ये देखिए भाई इन भी टावर जो एक्टिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर रेज डाला मैंने और थोड़ा सा बुढ़ाऊ थोड़ा सपोर्ट दिखा दे भाई। और ये देखिए अब हम लोग टैप कर देंगे भाई ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी को थोड़ा सा ये। चलो अब सही टाइमिंग है तो हमने दबा दिया भाई। और यहाँ पर सीसी में भाई क्या बोलते हैं सुपर ड्रैगन निकल रहा है तो हमने पॉइजन कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पॉइजन हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर। अब हम लोग फ्रीज करते हैं स्कैटर को प्लस ये ओपोनेंट की आरसी थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, लेकिन पॉइजन में आ चुकी है तो और एक बार हम लोग फ्रीज कर देते हैं। इधर से अब हम लोग रॉयल चैंपियन को ड्रॉप कर देते हैं। चलो ये सही जा रहा है यहाँ पर और ये चलो कम ऑन डाउन कर दे। और ये स्कैटर ओके स्कैटर डाउन नहीं हो पाया तो हम लोग ओके यहाँ पर बुढ़ाऊ जो है डाउन कर रहे हैं। चलो डाउन कर देगा बुढ़ाऊ डाउन कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिनिक्स भी हेल्प कर रहा है काफ़ी अच्छा से। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 सुपर मिनियन का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर लिया। टारगेट हमारा यही है कि सुपर मिनियन से वो जो एक्सपो ग्राउंड एक्सपो दिख रहा है वो हमारा टारगेट था। तो चलो अभी जाके टारगेट हुआ, यहाँ पर हमने टैप कर दिया आरसी की एबिलिटी को रेज के साथ। और यहाँ पर टाइमिंग इशू लग रहा है मेरे को, बहुत ही कम टाइमिंग लग रहा है। चलो यहाँ पर फटाफट से क्वीन अप ट्रूप्स को डाल देता हूँ, अभी भी 2 फ्रिज इस पर बचे हुए। और यहाँ पर देखते हैं अगर यूज़ करना पड़े तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, मैं डाल दिया यहाँ पर। चलो कोई नहीं यहाँ पर, और टाइम भी बहुत ही अच्छा खासा है। चलो ये बेस भी गाइज हो चुका है, बहुत ही ईजी मेथड में 3 स्टार हो चुका है। तो आप लोग को भी कुछ इस तरह से करना है अगर इस तरह के बेसिस आते हैं तो। सो गाइज चलते हैं अब नेक्स्ट बेस के ऊपर। सो गाइज एक और बेस आ चुका है हमारे सामने जो कि टीजर बेस है। टीजर बेसिस में अक्सर आप लोग पीछे से अटैक को स्टार्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देख सकते हैं हमने एक साइड पे हीरोज को ड्रॉप करके फनल क्रिएट किया, डायरेक्ट आप लोग को इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को उतार के इस तरह से स्पैम कर देना है। पीछे से आप लोग को लगा देना है बलून्स को और ये पीछे से ग्रैंड वार्डन को भी। यहाँ पर लगता है कि सिंगल इन्फर्नो टावर ने पकड़ लिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 रेज स्पेल को आप लोग को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है। वार्डन की एबिलिटी को हमने टैप कर दिया, जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रो ड्रैगन कोर के अंदर चले गए उसके बाद हमने टैप किया। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं फ्रीज, नहीं तो ये सिंगल इन्फर्नो और सिंगल इन्फर्नो अभी भी फ्रीज नहीं हुआ और हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन को डैमेज कर दिया। चलो कोई नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर और करते हैं एक फ्रीज। ये देखिए मोनोलिथ जो है काफ़ी भयंकर डैमेज दे रहा है तो हमने यहाँ पर फ्रीज किया। ऐसी भी स्कैटर्स भी बहुत ही तगड़े डैमेज दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेज टावर है। रेज टावर में भाई यहाँ पर बहुत ही डिफेंसेस पागल हो चुके हैं हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन को बेमौत मार रहे भाई एकदम। चलो यहाँ से हमने जो है डर के मारे भाई हमने सीज मशीन देखिए बैटल बीम का यूज़ कर लिया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना था क्या बोलते हैं वो डार्क ड्रिल, ठीक है। डार्क ड्रिल का ज़्यादातर यूज़ किया करो तो यहाँ पर अच्छा रहता। डार्क ड्रिल अगर यूज़ कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाता, लेकिन हमने जल्दबाजी में हमने यहाँ पर बैटल बीम को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो बैटल बीम भी सही है कई बार, मतलब आपको आपके ट्रूप्स को डैमेज पहुँचाने से पहले आप लोग, मैं दिखाऊँगा आप लोग को, ठीक है, आप लोग को दिखाऊँगा बैटल बीम मतलब केस में आप लोग को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सुपर मिनियंस प्लस यहाँ पर रॉयल चैंपियन को भी ड्रॉप करते हुए बेसिस का हालत देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी बचा ही नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग आरसी की एबिलिटी को टैप करेंगे, बेस खत्म है भाई, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड में भाई 3 स्टार हो जाते हैं भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी से, बस आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। एंड मेरा भी आदत छूट गया था क्योंकि बीच में जो लावा लून इवेंट ट्रूप्स आया था बहुत सारे अटैक्स मेरे फेल हो रहे थे, बट ठीक है अभी। सो गाइस अब करते हैं एक अटैक CW के ऊपर। सो गाइस आर्मी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर सीसी में जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये टीजी है, बस हमने एक रॉकेट जून का यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये जो सुपर वॉल ब्रेकर को हटा के रॉकेट जून का यूज़ कर रहे हैं। तो प्लानिंग कर चुका है मैं पहले से इस बेस के ऊपर, बस आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बैटल बीम वाला केस अभी दिखा रहे हैं, तो अच्छे से देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 2-3 जून्स को ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह से। पीछे से भाई हम लोग बैटल बीम को ड्रॉप करेंगे, देखो रीज़न बताता हूँ अभी आप लोग को। ये लग चुका है ब्लैक एयरमैन, हम लोग कर देते हैं रेज और यहाँ पर करना पड़ सकता है, लगता है फ्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रीज कर देते हैं, नहीं तो भाई पॉइजन गिर चुका है हमारे सीसी के ऊपर। तो ओके चल डाउन हो जा और थोड़ा सा बचा हुआ है और ये TH, चलो भाई फाइनली डाउन हो चुका है TH। तो हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया, बता रहे थोड़ा सा रुक जाओ अभी, और
यहाँ पर अब करते हैं भाई एक मिनट, यहाँ पर हीरोज़ को मैं ड्रॉप कर देता हूँ ताकि फन भी क्रिएट हो जाए, और इधर हम लोग कर देते हैं भाई बेबी ड्रैगन को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से सही जा रहा है अभी तो, यहाँ पर ओके, यहाँ पर अब हम लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन को उतार दिए। पीछे से भाई ग्रैंड वार्डन भी आ चुका है, ये हमारा आ चुका है लून्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, थोड़ा यहाँ पर रेंज डाल देते हैं, यहाँ पर फ्रीज करते हैं। चलो यहाँ पर चलो ओपोनेंट की सीसी मतलब क्वीन जो है डाउन हो चुकी है। यहाँ पर और एक रेज डाल दिया मैंने, और ये मोनोलिथ जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। हम लोग यहाँ पर टैप कर देते हैं वार्डन की एबिलिटी को, और ये स्कैटर डाउन हो जाए। चल फटाफट से डाउन हो जाए, चल 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 ओके, चल डाउन हो चुका है। यहाँ पर हमने अब लास्ट रेज इस पर यहाँ पर डाल दिया है कोर के अंदर, और ये देखिए भाई बहुत ही तगड़ा चेन डैमेज मिला। यहाँ पर फ्रीज कर दिया भाई हमने स्कैटर शॉट प्लस ये ओपोनेंट की आरसी को, और यहाँ पर क्वीन भी अच्छा खासा काम कर रही है। यहाँ पर टैप हो चुका है क्वीन की एबिलिटी को, और साथ में हमने यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए भाई रॉयल चैंपियन को ड्रॉप कर दिया। पीछे से भाई हमने सुपर मिनियंस को भी यूज़ कर लिया ताकि ये जो सिंगल इन्फर्नो टावर है ये हमारी आरसी को ना पकड़ ले, ठीक है। चलो डाउन हो चुका है भाई सिंगल इन्फर्नो टावर। अभी भी हमारे पास एक फ्रिज स्पेल है जो कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रिज स्पेल देखिए किस तरह से मैंने यूज़ किया, सारे बिल्डिंग्स एक ही फ्रिज में निपट गया भाई। ऊपर भी एक इलेक्ट्रो ड्रैगन है, और भाई यहाँ पर अभी भी हमारे पास आरसी की एबिलिटी बची हुई है, एक पॉइजन स्पेल है और कुछ क्लीनअप ट्रूप्स है। तो भाई ये बेस भी भाई आराम से 3 स्टार हो गया। तो अब बात करते हैं भाई हमने इस बेस पे बैटल बीम का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को भाई पॉइजन टावर प्लस यहाँ पर TH मिल रहा था, और एक साथ ही में एयर डिफेंस भी मिल रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर बैटल बीम का यूज़ कर लिया। तो भाई आई होप आज आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंड जल्दी मिलेंगे भाई हम लोग इस तरह के और भी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद।